ഘോഷിതാടം നമോ ആയിര്യാണ് ആരാധ്യ ദേവിക്ക് ചണമി വന്ദൻ ആദരണീയ സംഗീജി ഉപസ്ഥിത് ഭായുദത്ത മഹിമ दसवें कालिक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। दसवें कालिक सूत्र के अंतर्गत हमने छह चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की, सातवें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 21 श्लोकों की चर्चा की, आज हम 22वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तहेव मनु संभसम पक्षिम वावे सरे शिवम थूले पमे इले बच्चे पाई में पिए नो वे। इस ये जो चैप्टर है ये भाषा से संबंधित है, तो कौन सी भाषा बोलनी चाहिए साधु को, कौन सी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है। इसमें बताया है मनुसम पशुम, मनुसम मतलब मनुष्य, पशुम का मतलब पक्षी, पशु पक्षी मतलब पक्षी, सरेशियम का मतलब सर्प, थूले का मतलब है स्थूल, पमेले का मतलब प्रमेदुर, वज्जे का मतलब वध्य, पाई में का मतलब पक्के है, ती इतिम इस प्रकार नो वे ना बोले, मतलब साधु को बोलना है तो ऐसी भाषा नहीं बोल सकते कि मनुष्य पशु पक्षी और सांप का स्थूल प्रमेदुर वज्जे अथवा पक्य है ऐसा ना कहे। कहना तो क्या बोले, परिवुद्धे तीनम्बूया, परिवुद्धे मतलब परिवृद्ध कहा जा सकता है, बड़ा बढ़ गया है ऐसा कहा जा सकता है, बूया ओचिए पिए और उपचित कहा जा सकता है, और संजाय पीने वाली, संजाय का मतलब संजाते युवा है, बेल युवा हो गया ऐसा कहा जा सकता है, पीने का मतलब प्रेरित है ऐसा कहा जा सकता है, महाकाय और महाकाय कहा जा सकता है, बोलना हो प्रयोजनवश अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं कि परिवृत्त कहा जा सकता है, उचित कहा जा सकता है, अथवा संजा प्रेरित और महाकाय कहा जा सकता है। तहेव गाउ दम्मा गोर हगत्ये वाहिमा रह जो गति नेवम भाषे च पल्लवम। तहेव इसी प्रकार, पल्लव ने प्रज्ञावान मुनि गाँव ने गाय, दुझाव ने दोहने योग्य है, दम्मा गोर हगत्ती, गोर हग का मतलब है बेल, बेल है वो दम्मा, दम्मा ने दमन करने योग्य है, वाहिमा, वाहिमा ने वहन करने योग्य है, रहजोग ने रथ योग्य है, नेवम भाषेज पंडवम, प्रज्ञावान ऐसा न बोले, क्या बोलना हो तो क्या बोले, जोम कवे तेणम भूया तेणुम रसदय पिए रहस्य महल्ले बावी वये संवहन, वये संवहन किए, बोलना हो तो क्या बोलना है साधु को, जुवम गवे तीनम भूया, जुवम का मतलब है युवा, गवे माने बेल, बेल युवा है, भूया माने ऐसा बोले, धेणुम रसद देते, धेणु का मतलब गाय, रसद दे का मतलब दूध देने वाली है ऐसा बोल सकते हैं, ये गाय है दूध देने वाली है ऐसा बोल सकते हैं, और रहस्य महल्ले बावी, रहस्य का मतलब है रस छोटा, रहस्य है छोटा, नीव बेल छोटा है महल्ले में बड़ा है, अथवा संवहने, संवहने का मतलब है धूरा को वहन करने वाला है, यूं कहा जा सकता है, लेकिन क्या नहीं कहा जा सकता है ऊपर वाला, प्रज्ञावान मुनि गाय धुने योग्य है, बेल दमन करने योग्य है, वहन करने योग्य है और रथ योग्य है, इस प्रकार न बोले, बोलना हो तो क्या बोले, बेल युवा है धेनु यानी गाय है दूध देने वाली है, बेल छोटा है बड़ा है, अथवा संवहनन, संवहनन का मतलब है धूरा को वहन करने वाला है, यूं कहा जा सकता है। तहेव गंतुमुज्जाणम अव्याणी वणाणीय रुखा महल पेहाय नेवम भाषित च पल्लवम। तहेव इसी प्रकार, उज्जान में उद्यान में, उद्यान अव्याणी पर्वत, मणाणी का मतलब वन, रुखा मैंने वृक्ष, महल्ले में बड़े मतलब वन, मतलब कहाँ जाकर के उद्यान में पर्वत में वन में जाकर के क्या कहे, रुखा मैंने वृक्ष, वृक्ष है महल्ले में बड़े हैं, तो हमने उनको देख करके क्या कहे, वृक्ष बड़े हैं, नेवम भाषित पन्नम, प्रज्ञावान मुनि ऐसा ना कहे, तो क्या बोलना चाहिए,
अलम पासाय खंभाणम तोरणाणम गिहाणीय कलिय गल्लावाणम अलम उदक दोलिनम। अलम मने पर्याप्त, पासाय मने प्राशाल, प्राशाल यानी महल पैलेस, खंभाण खंभाण स्तंभ, जो महल होता है वो एक स्तंभ वाला होता है, पूरे एक स्तंभ के एक पिलर के आधार पर पूरा प्रासाद बन जाता है, वो होता है प्रासाद। और स्तंभ, ये प्रासाद स्तंभ तोरण तोरण और गिहान ने घर, फली है कमल परिघा परिघ परिघ और अगला अगला नावण नौका। परिघ का मतलब जो नगर की जो नगर का जो गेट होता है मेन, उसको जो आगल दी जाती है उसको तो बोलते परिघ, और घर के आगे जो आगल देते हैं उसको बोलते अर्गला। घर के दरवाजा में जो बंद करते हैं पहले के जमाने में, आजकल तो अर्गला नहीं है, पहले के जमाने में जब दरवाजा बंद कर देते तो घर के आगे बहुत बड़ा अर्गला होती थी, उसके बाद उसको बंद करते थे। तो फली है केवल परिघ, परिघ यानी जो नगर का द्वार है, नगर का जो गेट है उसको तो कहते परिघ। और अर्गला, अर्गला का मतलब है जो घर का जो दरवाजा है उसके आगे जो अर्गला दी जाती है उसको अर्गला कहा जाता है। नावाणम का नौका यानी पोर्ट, जो जहाज होती है। अलम उदक दोलनम, और जल की कुंडी के लिए उपयुक्त है, नौका और जल की कुंडी के लिए उपयुक्त है, पर्याप्त है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये वृक्ष प्राशाद स्तंभ तोरण घर परिघ अर्गला नौका और जल की कुंडी के लिए उपयुक्त है। पीड़िए संग बेरे नंग पीड़ है संग बेरे नंगले मयम सिया जंत लठी वो नाभिवा गंडिया वो अलम सिया। ये वृक्ष पीड़े का मतलब पीठ, चंग बेरे का मतलब काष्ट पात्री, नंगले का मतलब हल, मयिक का मतलब है जो खेत को, जो खेत को बोया है उसके बाद खेत को जब बोना होता है तो क्लीन करने के लिए एक प्रकार का उपकरण होता है, साफ करने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है। मई का मतलब खेत को साफ करने वाला कोई यंत्र है। कोल्लू जंतल के मतलब कोल्लू, जैसे वो गन्ने का रस जो पीलते हैं ना वो कोल्लू होता है। नाभि, नाभि का मतलब पहिए का बीच का भाग होता है। गंडिया का मतलब गंडक, और अलम सिया गंडिया का मतलब अहरण के लिए अलमणि पर्याप्त है, उपयुक्त है। आसनम शैनम जानम भुजावा किंच वस्से भू वखायम भासम नेवम भासच पल्लवम। आसनम आसन जो बैठने में काम आता है, शैन मैंने शयन यानी सोने में जो काम आता है, जानम यान और उवस्से किंचित उपाश्रय मैं उपाश्रय, और भू वखायणिम भूतोप घातिनी भाषम भाषा पन्नवन प्रज्ञावान नेवम भाषित प्रज्ञावान बोली ना बोले। क्या नहीं बोलना है? इन वृक्षों में आसन शयन ज्ञान और उपाश्रय के उपयुक्त कुछ काष्ट हैं, इस प्रकार भूतोपघातिनी भाषा प्रज्ञावान वृक्ष न बोले। भूतोपघातिनी है जिससे जीवों का वध होता हो, वैसी भाषा साधु को नहीं बोलना है। पहे गंतुम उज्जानम पव्याणी वणाणी रुखा महल पेहाय एवं वास पन्नम। बोलना हो तो क्या बोले? उज्जान मतलब उद्यान, पव्याणी ने पर्वत, वणाणी का मतलब वन में जा, वहां क्या बोले? रुखा बड़े वृक्ष को देखे, महल ने बड़े रुखा मैंने वृक्ष को, पेहाय मैंने देख, प्रयोजन उसका कहना हो तो एवं भाषण पन्नम इस प्रकार बोले। क्या बोले? जाई मनता इमे रुखा, ये वृक्ष हैं जातिमान है यानी उत्तम जाति के हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? दीह बट्टा मैंने दीह बट्टा लंबे हैं, महालय मैंने गोल है, पयाय साला विडिमा वृक्ष उत्तम जाति के हैं, लंबे हैं, गोल हैं और महालय, महालय का मतलब है बहुत विस्तार वाले हैं, अथवा पयाय साला का मतलब है शाखा वाले हैं और प्रशाखा वाले हैं। विडिमा का मतलब है अच्छा विट पिनहा, गोल है, महालय है और शाखा वाले हैं और
विडिमा का मतलब प्रशाखा वाले हैं, और दरिशनी, दरिशनगण दर्शनीय हैं, ऐसा बोल सकते हैं साधु को अगर बोलना हो तो। इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और वन में जा, वहां बड़े वृक्षों को देख प्रयोजन कहना हो तो प्रज्ञावान भिक्षु यो कहे, ये वृक्ष उत्तम जाति के हैं, लंबे हैं, गोल हैं, महालय यानी बहुत विस्तार वाले हैं, अथवा स्कंधयुक्त हैं, शाखा वाले हैं, प्रशाखा वाले हैं और दर्शनी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये मकान बनने योग्य है कि प्रासाद बनने योग्य है ऐसा नहीं बोल सकते वृक्ष। तहा फलायम पक्काय पाए खचाय नो वे मेलो इन टालाइन वे ही माई की नो वे तहा फलायम पक्काय तहा मैंने वैसे इसी प्रकार तथा तहा तथा फलाय मैंने फल पक्का मैंने पक्व है पक्के हुए हैं और पाए खज है पक्का कर खाने योग्य है। नहीं जो फल जैसी दीक्षा देखे वहां पे आपने देखा कि फल बहुत अच्छे हैं, ये फल कैसे हैं पक्के हैं पक गए हैं और पका कर खाने योग्य हैं, तो साधु ऐसा नहीं बोलना इस प्रकार ना कहे। बेलो या टालाइन बेलो उचित मैंने अविलंब तोड़ने योग्य है, अविलंब का मतलब शीघ्र ही तोड़ने योग्य है, और टालाइन इनमें गुठली नहीं पड़ी है, वे ही मायती और ये दो टुकड़े करने योग्य है खाक करने योग्य, इस प्रकार न कहे साधु को ऐसा नहीं बोलना है। ये फल पक्व है पका कर खाने योग्य है या इसको जल्दी से तोड़ने योग्य है, इसमें अभी तक गुठली नहीं आई है, इसमें दो टुकड़े करने योग्य है खाक कर करने योग्य है, इस प्रकार साधु को नहीं बोलना है। तो बोलना हो तो क्या बोले, अशंठना इनी अम्बा बहु निवट्टिमा फला बहु जिस बहु समूया भूये निवट्टि बापा असंधना इमे अम्बा, ये आम्र वृक्ष अब फल धारण करने में असमर्थ है, असंधना में असमर्थ है, अम्बा का मतलब आम्र वृक्ष है वो फल धारण करने में असमर्थ है, ऐसे बोल सकते हैं। बहु निवर्तित बहु निवर्ति का मतलब बहु निवर्तित प्राय निष्फल फल वाले हैं, और बहु संभुया बहुत संभुदेन एक साथ उत्पन्न हुए फल वाले हैं, अथवा भूत रूप है कोमल है भूत रूप का मतलब कोमल है, इस प्रकार कहे बोलना हो तो ये आम्र वृक्ष है अब फल धारण करने में असमर्थ है। बहु निवर्तित का मतलब प्राय निष्पन्न फल वाले हैं, बहु संभुत का मतलब एक साथ उत्पन्न बहुत फल वाले हैं, अथवा भूत रूप है कोमल है, इस प्रकार कहे ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसमें गुठली नहीं पड़ी है, अभी काटने योग्य है तोड़ने योग्य ऐसा नहीं बोल सकते। कहे वो सहियो पक्काओ नीलियाओ छवि लाइमा बज्जी मावती पीहु कच्चे तिन हो कहे वो सहियो पक्काओ, इसी प्रकार सही मैंने कहे औषधियो ने औषधियां मेडिसिन पक्काओ ने पक गई है, नीलियाओ छवियो और अपक्व है छवि वाली है, छवि वाली का मतलब छवि वाली है फली वाली है, और लाइमा का मतलब काटने योग्य है, भज्जीमाओ का मतलब भूनने योग्य है, और पीहु कच्चे न हो चिड़वा बनाकर खाने योग्य है, इस प्रकार न बोले। ये जो औषधियां हैं एक पक गई है अपक्व है छवि फली वाली है काटने योग्य है भूनने योग्य है चिड़वा बनाकर खाने योग्य, इस प्रकार न बोले। बोलना हो तो क्या बोले, रूढ़ा बहु संभूया थीरा औषधा गब्भी आओ पशु आओ ससाराओ आलवे, बोलना हो तो कैसे बोले, औषधियां क्या है अंकुरित है, रूढ़ा का मतलब अंकुरित है, और बहु संभूया बहुत निष्पन्न है निष्पन्न प्राय है, और थीरा मतलब स्थिर है, औषधा का मतलब ऊपर उठ गई है, और गब्भी आओ का मतलब भुट्टो से रहित है, पशु आओ का मतलब भुट्टो से सहित है, ससारा होती धान्य कण सहित है इति आलवे, इस प्रकार बोले। अगर बोलना हो तो ऐसे बोल सकते कि औषधियां अंकुरित है निष्पन्न प्राय है स्थिर है ऊपर उठ गई है भुट्टो से रहित है सहित है धान्य कण सहित, इस प्रकार बोले। कहे व संकण नच्चा किच्चम गच्चन तिनो वे तेणगम वायु वच्छेति सुतिष्ठति आवगा, इसी प्रकार संकणिम का मतलब जीवन वार, जीवन में जाते ना खाना खाने के लिए,
और कृत्य मृत भोज को जानकर ये करनी है, किच्चम का मृत भोज को जान करके पच्चम मान ये करनी है, नो वे ऐसा न बोले तेणगम वाग बच्चे थी और तेणगम ने स्टेल इन चोर चोर मारने योग्य है, तेणगम ने चोर बच्चे ने मारने योग्य है। और सुतीर्थ की आवगा, सुतीर्थ मान नदी अच्छी घाट, आप आवगा का मतलब नदी, सुतीर्थ का मतलब अच्छे घाट वाले हैं। इस प्रकार न कहे, बोलना हो तो क्या बोले, संखड़िम संखड़िम भूया पणिहत्ति तेणकम बहु समानित स्थानी आवगान व्यागरे। संखड़िम संखड़िम संखड़ी, संखड़ी का मतलब होता है जिमनवा, संखड़ी की संखड़ी चोर को पणितार्थ धन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला, संखड़ी को संखड़ी बोलना है और चोर को क्या बोलना है, धन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाले ऐसे बोल सकते हैं। और नदी के घाट पाए सम है ऐसे बोल सकते, इस प्रकार कहा जा सकता है। लेकिन ये नदी अच्छी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, चोर मारने योग्य है, ये फल काटने योग्य है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तहा नहीं हो पुन्नाओ काय तिज्जत तिनोवे नामाहीन तारी मावती पानी पेजत तिनोवे। तहा मैंने इसी प्रकार नहीं हो मैंने नदियां पुन्नाओ, पुन्नाओ ने भरी हुई है, काय तिज्जत तिनोवे और शरीर के द्वारा पार करने योग्य है, नामाहीन तारी मावती, नामाहीन का मतलब है नौका, तट पर बैठे प्राणी उनका जल पी सकते हैं, पानी पेजत की पानी मैंने प्राणी, प्राणी है वो नामाहीन तारी मावती नौ भी तारिया अच्छा नौका के द्वारा पार करने योग्य है, और तारी नौ भी तारिया है नौका के द्वारा पार करने योग्य है, पानी पेजत की नौए, पानी पेजत नौए का मतलब तट पर बैठे प्राणी उनका जल पी सकते हैं। इस प्रकार न कहे तो क्या कहे, भगवान कहते हैं बहु वाहरा अगाहा बहु शरीर पिलोद का बहुविथ रोजगा यावी एवं भाषित पल्लवम बहु माहड़ा अगाहा। अच्छा तो क्या बोलना है, प्राय भरी हुई है नदी है वो प्राय भरी हुई है ऐसे बोल सकते हैं, अगाहा मैंने अगाध है एकदम गहरी है नदियां, बहु सलीलो बहु सलीला है बहुत ज्यादा पानी वाली, और दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है, लुप्पी रोजगा मैंने जल का वेग बढ़ रहा है, बहुविथ रोजगा यावी बहुत वित्त, वित्त यानी विस्तार, बहुत विस्तार वाली है और जल वाली, बहुत विस्तार जल बहुत विस्तार और जल वाली है, और एवं भाषित पल्लव इस प्रकार प्रज्ञावान बोले, प्रज्ञावान मुनि को बोलना हो तो क्या बोले कि नदियां प्राय भरी हुई है, प्राय अगाध है एकदम गहरी है, बहु सलीला है, सलीला का मतलब पानी वाली है, दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है, बहुत विस्तीर्ण जल वाली है, प्रज्ञावान भिक्षु इस प्रकार बोले। तहेव सावज्जम जोगम परसत्थाय निथिम कीर्माणम की बानच्चा सावज्जम न लये मुनि। तहेव इसी प्रकार सावज्जम जोगम दूसरे के लिए किए गए अथवा किए जा रहे सावध्य व्यापार को जानकर मुनि सावध्य वचन न बोले। तहमने इसी प्रकार पर सट्ठा केवल दूसरे के लिए निठ्ठे मैंने किए गए अथवा किए जा रहे हैं कीर्माण ने किए जा रहे सावध्य मैंने सावध्य व्यापार को लच्चा मैंने जानकर मुनि क्या है सावज्जम न लपेत सावध्य न बोले। सावध्य भाषा यानी पापकारी भाषा है वो मुनि को बोलने का मनाई है निषेध है, मुनि है जिसने भी पाप लगता हो वैसी भाषा नहीं बोल सकते, सीधी भाषा नहीं बोल सकते कि फल काटने योग्य है अमुक ये मारने योग्य है जोतने योग्य है क्योंकि उसमें हिंसा होती है, इसलिए सावध्य भाषा साधु को बोलना नहीं होता है क्योंकि जितनी सावध्य भाषा का प्रयोग करते हैं उतने उतने कर्म का बल अधिक होता है। सुकड़ेति सुपक्के थे बोलना होता क्या बोले, सुकड़ेति सुपक्के थे सुछिन्ने सूर्य मदे सुनठे सुलटे थे सावज्जम वज्जे मुनि। तो ये सावज्ञ का वर्जन करे मुनि, तो सुकड़े थे सुकड़े का मतलब है अच्छी तरह से किया हुआ है बहुत अच्छा किया है, सुकड़े मतलब बहुत अच्छा किया है, सुपक्के का मतलब है बहुत अच्छा पकाया है
आप भोजन पकाते ना, बहुत अच्छा भोजन पकाए हैं, जो घेवर बनाते, लड्डू बनाते, बहुत अच्छा पकाया है, और सुछिन्ने बहुत अच्छा छेदा है, सब्जी सुधारते हैं तो कोई बोला अरे आपने बहुत अच्छी सुधारी है, तो ऐसा साधु को नहीं बोलना होता, क्योंकि उसमें आपने क्या किया, सब्जी सुधारी, उसमें आपने पाप का बंधन किया, क्योंकि वो तो वनस्पति के जीव थे, उनके बेचारे के आपने काटा तो उसकी उनकी हत्या हो गई, तो वो इसलिए साधु को ऐसा नहीं बोलना होता है कि आपने सुछिन्ने बहुत अच्छा छेदा है, और सुहड़े बहुत अच्छा हरण किया है, वैसा साधु को नहीं बोलना है, और बहुत अच्छा मरा है, मैंने जो सब्जी में जो तिक्तता होती है ना, कभी कभी बहुत कसेली होती है, कड़वी होती है, जैसे वो करेला की सब्जी होती है बड़ी कसेली होती है, लेकिन आप उसको ऐसे अच्छे से धोते हैं करते हैं तो वो तिक्तता होती है, कड़वापन होता है, वो निकल जाता है, कहेंगे आप बहुत अच्छा मरा है, बहुत अच्छा जो उसका खारापन था वो निकाल दिया है, सुनिठे थी सावज मुज्जे मुनि, और बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है, सुनिठे का मतलब है बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है तेमन आदि में, यानी जिमन मार जाते हैं उसके, और सुलट्ठे बहुत ही इष्ट है चावल आदि, मुनि इन सावध्य वचनों का प्रयोग न करे, मुनि को इस प्रकार सावध्य नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत अच्छा भोजन किया है, बहुत अच्छा पकाया है, बहुत अच्छा छेदा है, बहुत अच्छा हरण किया है, और बहुत अच्छा मरा है, बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है, बहुत ही इष्ट है, मुनि इन सावध्य वचनों का प्रयोग न करें, तो मुनि को तो करना ही नहीं, आप भी ध्यान रख सकते हैं, तो कोई सब्जी सुधारी तो तारीफ नहीं करना, आप बहुत अच्छी सुधारी है, कोई लड्डू बनाए, कोई टोपरा पाक बनाए, बन माता जो भी बनाते हैं आप वस्तु, तो उनको तारीफ नहीं करना, बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बना है, क्योंकि उससे क्या होता है, पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि सावध्य भाषा है, सावध्य का मतलब पापकारी भाषा है, तो साधु को ऐसा नहीं बोलना है। तो 41 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम।